नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मटर मशरूम की सब्जी। अगर आप इस तरह से मशरूम की सब्जी बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो ये हमने मशरूम ले लिया है और ये मटर को हमने पहले से ही छील के रख लिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो मशरूम के डंठल को हम अलग निकाल लेते हैं और इस तरह से ऊपर का जो छिकला होता है उसे हमने निकाल दिया है और इसको हम इस तरह से पीस काट लेंगे। इसके डंठल को भी हम इस तरह से ऊपर का छिकला निकाल देंगे, इसे भी हम काट लेंगे। कुछ लोग ऐसे ही इसे डंठल सहित काट लेते हैं, तो हम इसे डंठल सहित नहीं काटेंगे। इसका जो ऊपर का भाग होता है इसे हम निकाल देंगे और ये आसानी से निकल भी जाता है। और ये जो अंदर का काला भाग होता है इसे भी हम चाकू से निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारा मशरूम काट लेंगे। तो मशरूम को हमने काट लिया है तो देखिए कितना सारा ऊपर का छिकला निकला है। अब हम मशरूम को अच्छे से धुल लेंगे। मशरूम को हमने पानी से अच्छे से धुल लिया है। अब इसे हम बॉयल करेंगे। इसे हम 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे और ये हम प्लेट से इसे ढक दिए हैं। तो मटर मशरूम हमारा बॉयल हो चुका है और ये हमने पेस्ट बनाया है लहसुन प्याज हरी मिर्च अदरक का है और ये टमाटर का पेस्ट है। तो अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं, पैन चढ़ा देंगे। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल दिए हैं। तो जीरा हमारा पक गया है, अब इसमें हम प्याज लहसुन का पेस्ट मिला देते हैं। और इसे हम तेल में अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे। तो हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक चुका है, अब हम टमाटर को भी मिला देंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे। जब प्याज और
टमाटर अच्छे से पक जाता है तो हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। अब हम मसालों को मिलाएंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, और ये थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च मिला देते हैं, जिसमें हमारी सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा लगे। थोड़ा सा हम पानी मिला देते हैं, जिसमें हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। इसे हम 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे। ये हम थोड़ी सी हींग मिला देते हैं, आप चाहें तो हींग न डालें। तो हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें मटर मशरूम मिला देते हैं और इसे हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी मिला देते हैं। पानी आप अपने अनुसार भी मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप पानी ज़्यादा मिलाएं। अब हम स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम देख लेते हैं। इस तरह से हम चला लेंगे सब्जी को। तो फिर से हमने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिए थे। हमारी सब्जी पक चुकी है। अभी थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा है तो इसे हम और पकाएंगे। अभी हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, ये हम मैगी मसाला मिला देते हैं। इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह से सब्जी बनाए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, मटर हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये हम थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी गर्मा गर्म मटर मशरूम की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से मटर मशरूम की सब्जी बनाइए और खाइए।
दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।